तो देवी सिंह जी हजारों में लाखों में चुनाव हार कराएंगे वहाँ से। दे दो और नहीं बानसूर की जनता देवी सिंह को एक वोट नहीं देगी। बागी उम्मीदवार को टिकट दे दिया जो कभी जनता की सेवा न कर सका, के ऊपर कोटपुतली में सापरा में लाखों करोड़ों रुपए का गमन का आरोप है। कहेंगे हम है ना महेंद्र जी को निर्दलीय जिताएंगे। बीजेपी का प्रदेश कार्यालय इन दिनों राजनीति का अखाड़ा नजर आ रहा है। भाजपा ने राजस्थान में जो 41 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की थी उसमें कई विधानसभा प्रत्याशियों का विरोध देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में बानसूर, बामनवास और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहने वाले नेताओं के समर्थक विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारी विरोध के नारे लगाते हुए भाजपा कार्यालय में घुस गए जिसके चलते भारी पुलिस का जाब्ता बुलाना पड़ा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5-5 लोगों को बुलाकर समझाया और केंद्रीय नेतृत्व से बात करने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि बानसूर से देवी सिंह शेखावत को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया जिसका विरोध करने महेंद्र यादव जो कि 2018 में भाजपा प्रत्याशी थे लगभग 17,000 वोटों से हार गए थे उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। बामनवास से भाजपा ने राजेंद्र मीणा को प्रत्याशी बनाया है। उनके विरोध में बामनवास से काफी संख्या में लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी सांसद दिया कुमारी का विरोध करने के लिए भी विष्णु प्रताप सिंह के समर्थक भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। चलो इधर से खोल दो, अंदर से निकल जाओ। टिकट दिया है बानसूर की जनता चाहते कि टिकट का बहिष्कार हो और महेंद्र जी यादव को टिकट दिया जाए, और यदि महेंद्र जी यादव को टिकट नहीं दिया गया तो देवी सिंह जी हजारों में लाखों में चुनाव हार कराएंगे वहां से। महेंद्र जी चाहिए, महेंद्र जी ने बहुत मेहनत किए और एक ऐसे बागी उम्मीदवार को टिकट दे दिया जो कभी जनता की सेवा न कर सका, और वो बागी उम्मीदवार अभी पिछले दिनों पंचायत समिति के चुनाव हुए कांग्रेस का साथ में मिलकर के साथ दे करके और बीजेपी का विरोध कर करके और कांग्रेस का प्रधान बना है, और इनके भाई जो कि IAS IPS की ऊंची पोस्ट के ऊपर विराजमान है उनके ऊपर कोटपुतली में सापरा में लाखों करोड़ों रुपए का गमन का आरोप है, और अभी भी ये जल जीवन मिशन के तहत उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का आरोप लगा हुआ है। ये आरोप यदि ऐसे आदमी विधायक बन जाते हैं तो ये जनता के पैसे को फिर उन जनता के पैसे का हनन करेंगे। हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें महेंद्र यादव जैसा प्रत्याशी चाहिए। बिल्कुल हारेंगे नहीं, जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, जमानत ये तय है। ये आज हम आपके सामने कहकर जा रहे हैं, और आज हमें याद करोगे आप कि हाँ वो आते ऐसे आए थे बानसूर के लोग जो सच निकला, बिल्कुल इनको एकदम से हरा करके भेजेंगे। मेरी बात सुनिए आप एक मिनट, जैसा आप कह रहे वही बात है। भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषित कर दिया है कि अपने उम्मीदवार को हराइए और अगली बार टिकट पाइए, हमें भी अगली बार इस उम्मीदवार को हराएंगे और अगली बार पार्टी हमें इनाम में टिकट दे देगी, हम टिकट के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। दे दो और नहीं बानसूर की जनता देवी सिंह को एक वोट नहीं देगी और महेंद्र जी को वोट देके विजय बनाएगी और जनता पार्टी को हराएगी। तो क्या दूसरी सरकार लेके आएंगे? दूसरी सरकार नहीं लेके आएंगे, हम है ना महेंद्र जी को निर्दलीय जिताएंगे और बनाएंगे हम उनको। फिर ये महेंद्र जी जाने कौन सी पार्टी से बने या नहीं बने, हम महेंद्र जी को जिताएंगे। बीजेपी पर फर्क पड़ेगा, हम यही सोचते हैं। मोदी जी हमारे लिए सब कुछ किया, मोदी जी ने, और मोदी जी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे को टिकट मिल जाए, और हम मोदी जी से पीछे कभी नहीं हटे और मोदी जी के हम बने रहे हैं। हम चाहते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि पहले ये है कि हमारे को टिकट दिया जाए, और टिकट नहीं देते हो तो हम 100% निर्दलीय लड़ाएंगे।